नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सना खान हत्या के आरोपी अमित साहू को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साहू ने हत्या की बात को कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता सना खान का बिजनेस पार्टनर होने के साथ ही पति था, उसने 2 अगस्त को ही सना की हत्या कर दी थी। साहू ने कबूल किया है कि उसकी लाश को उसने हिरन नदी में बहा दिया था। इस काम में 2 लोगों ने अमित साहू का साथ दिया, जिसमें से एक फरार है। एक्यूज है अमित साहू करके, उसको भी हमने ताबे में ले लिया है। उसको जो एक साथीदार उसकी हेल्प की उसमें, तो वो भी ताबे में ले लिया है। जो और एक साथीदार है तो उसका एक शोध शुरू है। जो एक्यूज है उन्होंने तो कहा, पुष्टि दे दी कि उनकी बॉडी नदी में डाल दिए। TV9 भारतवर्ष ने पहले ही खुलासा किया था कि दोनों ने शादी की थी, लेकिन घर वालों को इसकी भनक नहीं थी। सना की माँ और परिवार के लोग जबलपुर गए। अमित ने सना के घर वालों को शादी का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन सना के घर वाले राजी नहीं थे। ऐसे में दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। बताया जाता है कि ढाबे में पार्टनरशिप को लेकर, लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में 1 अगस्त को सना साहू से मिलने के लिए जबलपुर गई थी और तब से ही वो गायब थी।